ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। टिहरी जिले में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों से दहशत का माहौल है। नई टिहरी शहर में कोरोना के 10 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जबकि नई टिहरी शहर में 55 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिन्हें कोविड केयर सेंटर सुरसिंहधार में रखा गया है। लेकिन लोगों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों की प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। अगर बच्चों और बुजुर्गों को कोविड केयर सेंटर में सबके साथ रखा जाएगा तो इससे बच्चों और बुजुर्गों को खतरा हो सकता है, इसलिए उनके लिए अलग से कोविड केयर सेंटर होना चाहिए। उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस के हत्थे चार ऐसे युवक चढ़े हैं जो आरटीओ बनकर चेकिंग करते थे और फिर लोगों से कार्रवाई के नाम पर पैसे ऐंठा करते थे। ये जो दो लोग पकड़े गए हैं इन्होंने अभी तक कई लोगों को चूना लगाया है। राजधानी दिल्ली और काठगोदाम के बीच जल्द ही निजी ट्रेन का संचालन हो सकता है। रेलवे बोर्ड ने इसका प्रस्ताव दे दिया है। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो 2023 तक ये ट्रेन दिल्ली काठगोदाम के रूट पर दौड़ने लगेगी। यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर निजी ट्रेन चलाने पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में भी तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत 2024 तक प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के हर घर तक शुद्ध पेयजल सप्लाई के लिए नल लगाने का लक्ष्य है, जिसके लिए इस वित्तीय वर्ष में 1,465 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। शुद्ध पेयजल सप्लाई की जाए, इस वित्तीय वर्ष में 1,465 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण इलाकों में हर घर तक साफ और सुथरा पानी पहुंच सके। 2024 तक योजना पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। रुद्रप्रयाग जिला का आखिरी गांव बांगर मोबाइल नेटवर्क से जुड़ गया है। इस क्षेत्र में मोबाइल के 2 टावर लगाए गए हैं, जिससे 5,000 से ज्यादा की आबादी को फायदा होगा। इस इलाके में पिछले कई साल से मोबाइल नेटवर्क की मांग की जा रही थी। तो राजधानी दिल्ली और काठगोदाम के बीच जल्द ही निजी ट्रेन का संचालन हो सकता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने इसका प्रस्ताव दे दिया है। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो 2023 तक ये ट्रेन दिल्ली काठगोदाम के रूट पर दौड़ने लगेगी। यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इस रूट पर निजी ट्रेन चलाने का विचार किया जा रहा है। और चलिए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं तेहरा जिले 13 खबरें। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने की मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक, पिछले पालन को बढ़ावा देने पर चर्चा। कंट्रयाग के रतगांव में ग्रामीण पर भालू ने किया हमला, मवेशियों के चराने जंगल गया था ग्रामीण। रुद्रप्रयाग में ट्रॉली के सहारे नदी पार करते हैं ग्रामीण, कालीमठ घाटी में नहीं बन पाया है पुल। मसूरी में गलोगी पावर हाउस के पास रोड फिर से बंद, रोड पर पहाड़ी से गिरा मलबा। रामनगर के युवक की कोरोना से मौत, सुशीला तिवारी अस्पताल में एडमिट था युवक। पिथौरागढ़ में मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों का हंगामा, मकान के मलबे में दबने से हुई थी एक शख्स और 2 बच्चों की मौत। बागेश्वर में ई रिक्शा का किया गया ट्रायल, शहर में जल्द दौड़ेंगी ई रिक्शा। चमोली में होगा ई लोक अदालत का आयोजन, पेंडिंग पड़े मामलों का होगा निस्तारण। विकासनगर में शक्ति नहर में गिरी गाड़ी, हादसे में दंपति की मौत, नहर से दोनों शव बरामद। रुड़की में 60 अस्पतालों को प्रदूषण बोर्ड का नोटिस, बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण की अनुमति ना लेने पर नोटिस। खटीमा में पहुंचे राज्य किसान आयोग के उपाध्यक्ष का बयान, कहा अक्टूबर तक खुल जाएंगे धान क्रय केंद्र।
बड़कोट में हाईवे निर्माण के दौरान विवाद, कंपनी के कर्मचारी ने की जेसीबी ऑपरेटर से मारपीट। नैनीताल में डीएम ने किया टिफिन टॉप का निरीक्षण, टिफिन टॉप में पत्थर गिरने की जांच के लिए भूवैज्ञानिक सर्वे के निर्देश।